वेलकम फ्रेंड्स। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इस यहाँ पे जैसे कंपनी का नेम रहने वाला है गाइस इथर एनर्जीज। तो गाइस इस कंपनी में जॉब रहने वाले को दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं इस कंपनी में पर्स पेज को जो पढ़ना है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इसकी गाइस जॉब कैसे निकालनी है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे गाइस आपको साइड में ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, थ्री ऑप्शन है जो इस पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, हमारा कैरियर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा गाइज। मैं आपको फोन में दिखा देता हूँ कैसे ओपन होगी ये वेबसाइट। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे गाइज फोन में ओपन होगी गाइज वेबसाइट, अगर आप लोग गाइज वेबसाइट देखनी है ये। जैसे गाइज आपको साइड में तीन ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन आ जाएगा गाइज। इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे तो गाइज फोन में ऐसे ओपन होगी वेबसाइट, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑल जॉब्स का। इस पे क्लिक कर दोगे गाइज सभी जॉब्स आ जाएंगी इनकी। तो यहाँ पे देखते हो ये सारी जॉब्स आ चुकी हैं इनकी। मैं आपको अब गाइज डेस्कटॉप साइड पे दिखा देता हूँ सभी जॉब्स कैसे आएंगी गाइज। यहाँ पे आप देखते हो गाइज ये पेज आ चुका है। यहाँ पे जैसे टोटल जॉब्स रहने वाली है यहाँ पे वो रहने वाली है गाइज 48 जॉब्स गाइज टोटल रहने वाली है। आपको बिजनेस में जॉब मिल जाएगी, कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगी, इंजीनियरिंग में जॉब मिल जाएगी, ऑपरेशन में मिल जाएगी, प्रोडक्ट में मिल जाएगी। लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आपकी लोकेशन रहने वाली है बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, असूर, इंदौर और इसके नीचे और भी हैं गाइज यहाँ पे कोची, मुंबई, न्यू दिल्ली, नाजी, पुणे, विजयवाड़ा। तो ये लोकेशंस रहने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे जॉब भी दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे पहली जॉब आपकी क्रिएटिव में आ जाएंगी। क्रिएटिव्स में जो अगर जॉब देखना चाहते हैं तो ये जॉब्स हैं, इसे आप चेक कर सकते हो। मैं गाइज आपको कुछ जॉब ओपन करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं दिखाऊंगा, बाकी आप खुद देख लेना। गाइज आपको यहाँ पे फ्रेशर भी मिल जाएंगी और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी। फ्रेशर में ऐसे रहेंगे कि गाइज यहाँ पे आपको कुछ मिनिमम कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला होगा कि नॉलेज होनी चाहिए कुछ कुछ की, तो वो आपको गाइज फ्रेशर जॉब होगी। वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 2, 5 ऐसे एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ब्रांड में भी है। इसके बाद है गाइज कस्टमर सर्विसेज में, यहाँ पे आपसे चेक कर सकते कस्टमर सर्विसेज में कोई जॉब करना चाहता है। इसके बाद सेल्स ऑपरेशन में जॉब है गाइज। तो ये गाइज बेंगलुरु लोकेशन है इनकी और ज्यादातर गाइज जो जॉब रहने वाली है उनकी बेंगलुरु लोकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन्नई लोकेशन भी है। इसके बाद है बिजनेस इंटेलिजेंस में जॉब देखना चाहते हो, मार्केटिंग एक्सीलेंस में जॉब करना चाहते हो, सोल्यूशन और कस्टमर एक्सपीरियंस, इसके बाद सर्विस डिलीवरी, ओनरशिप मैनेजमेंट, व्हीकल सर्विस ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी जॉब्स रहने वाली है। ऑपरेशन एक्सीलेंस क्वालिटी की जॉब है गाइज, क्वालिटी मैनेजर की। इसमें सेल्स में है जॉब। इसके बाद सी ए रिलेशन में जॉब, सी आई रिलेशन में जॉब है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं सी आई रिलेशन एग्जीक्यूटिव की। इसकी लोकेशन गाइज सभी में रहने वाली है, सभी ऑलमोस्ट सभी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। और इसमें गाइज क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, इसमें क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट भी है, एम बी ए एनी ग्रेजुएट वगैरह एम पी क्वालिफिकेशन रखी है, सब चेक कर लेना। और बाकी और भी हैं गाइज ऐसी ही जॉब्स हैं सभी। तो मैं इसकी तो लोकेशन ज़्यादा नहीं तो मैं दिखा रहा था उसको। जैसे गाइज आप देखते हैं यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट में है, और यहाँ पे एसोसिएट मैकेनिकल कॉस्टिंग की, एसोसिएट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टिंग की है, और इसके नीचे और भी हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे लीगल में है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टैलेंट्स में है यहाँ पे, इसके बाद टैलेंट और भी हैं गाइज यहाँ पे। इसके बाद और जॉब है फाउंडर्स ऑफिस में है, और इसके बाद प्रोसेस एक्सीलेंस में है। तो जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर की जॉब है ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज इसकी लोकेशन आप चेक कर सकते हो, लोकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद नीचे आपको दिखा देता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। क्वालिफिकेशन है इसकी गाइज यहाँ पे जैसे मास्टर डिग्री और यहाँ पे बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री दोनों चल पड़ेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ब्रांचेज रहने वाली हैं। यहाँ पे गाइज एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, 1 to 5 ऐसे 4 to 5 ऐसे एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। आप यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर देना और यहाँ पे बाकी पढ़ के ही अप्लाई करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहने वाली है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट को दिखा देता हूँ। इसके बाद और भी हैं यहाँ पे जैसे वेब टेक्नोलॉजीज की जॉब है, इसमें बाकी भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद है गाइज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग की, ये ओपन करके दिखा दो। बेंगलुरु की लोकेशन है, इसके नीचे आपको क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ गाइज। इसकी क्वालिफिकेशन है गाइज बी बीटेक इन स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट को दिखा देता हूँ गाइज। इसके बाद है फंक्शनल एप्टीट्यूड टेस्टिंग की जॉब, परफॉर्मेंस इंजीनियर, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी गाइज क्वालिफिकेशन रहने वाली है यहाँ पे जैसे डिप्लोमा बैचलर मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी अदर रेलेवेंट फील्ड। तो गाइज यहाँ पे जैसे बाकी फील्ड्स भी अप्लाई कर पाएंगी अगर आपको सुटेबल लग रही है आपको ये जॉब, ये पढ़ के अप्लाई कर लेना। और फिर यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, बैचलर और मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले तो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर ही पाएंगे। वीडी इंजीनियर की है बेंगलुरु, इसकी लोकेशन है। इसके गाइज क्वालिफिकेशन आपको दिखा दूँ, क्वालिफिकेशन है इसकी भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अदर फील्ड भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे डिप्लोमा नहीं है, डिप्लोमा पीछे वाले जॉब में था, इसमें गाइज मास्टर और बैचलर डिग्री है और अदर फील्ड भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी। और इसके बाद है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की ब्रेक्स इंजीनियर, बेंगलुरु इसकी भी लोकेशन रहने वाली है। तो इसकी गाइज क्वालिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी क्वालिफिकेशन ऐसे हैं बी बीटेक एमई एमटेक इन मैकेनिकल मशीन डिजाइन व्हीकल डायनेमिक्स, 4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। पावर ट्रेन की जॉब आ चुकी है मोटर इंजीनियर, इसको भी दिखा देते हैं गाइस ओपन करके। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है बी बीटेक एमई एमटेक इन इलेक्ट्रिकल मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, यहाँ पे आप देखते हो।
इसके बाद और भी है ट्रांसमिशन इंजीनियर, इसकी गैस क्वालिफिकेशन रहने वाली है गैस, इसमें कुछ बी बीटेक एम ई एम टेक इन मैकेनिकल और मशीन डिज़ाइन, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। इसके बाद आज की है गई ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इसमें भी है गई एक रिलायबिलिटी टेस्टिंग इंजीनियर की, तो ये गैस इसमें रखा है गया डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट फील्ड्स, 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर में जॉब आ चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स की जॉब है। यहाँ पे गैस जो क्वालिफिकेशन रखी है आपकी, क्वालिफिकेशन आप देखते हैं बी बीटेक एम ई एम टेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 6 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। इसके बाद आ चुकी है गैस हार्डवेयर पैकेजिंग की जॉब, पहले ही जॉब अपन दिखा देता हूँ, इसमें गैस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए गैस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर की जॉब है गैस पैकेजिंग में ही, इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ, बी बीटेक इन स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल, 4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। बैटरी इंजीनियरिंग की जॉब आ चुकी है, यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन बैचलर मास्टर डिग्री मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा है, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। इसके बाद है गाइस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर कंपोनेंट की, तो पहली जॉब है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की, इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस रखा है इन्होंने, यहाँ पे देखते हैं 12 साल एक्सपीरियंस रखा है, एम ई एम टेक रखी है गाइस यहाँ पे। इसके बाद लीड कास्टिंग की जॉब ये ओपन करके दिखा देता हूँ, इसमें भी देखते हैं क्वालिफिकेशन रखी है डिप्लोमा बी बी टेक एम टेक, 8 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। इसके बाद है मशीनिंग में लीड मशीनिंग की जॉब है गाइस, इसकी क्वालिफिकेशन भी दिखाता हूँ बी बी टेक एम ई टेक, 10 साल मिनिमम एक्सपीरियंस। इसके बाद है गाइस व्हीकल सॉफ्टवेयर की इमीडिएट इंजीनियर की जॉब है, इसमें गाइस आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ, इसमें आपको दिखा देते हैं बी बी टेक बी एस सी मिनिमम रिक्वायरमेंट, 2 साल का इस मिनिमम एक्सपीरियंस रखा हुआ है। इसके बाद है प्रोडक्ट क्वालिटी की जॉब, न्यू प्रोडक्ट क्वालिटी इंजीनियर मैकेनिकल सप्लायर क्वालिटी, इसको ओपन करके दिखा देते हैं, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है यहाँ पे से बी बी टेक एम ई एम टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम 6 साल एक्सपीरियंस है। इसके बाद गए यहाँ पे ये 2 जॉब्स और भी हैं, जैसे कि लास्ट वाला दिखा देता हूँ इसमें ओपन करके। इसके बाद है गए यहाँ पे डिप्लोमा बी बी टेक इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो कैसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो इस वाली जॉब में, क्योंकि कैसे यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कहीं भी नहीं की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर गाइस। इसका नाम आप याद रखो, यहाँ पे देखते हैं इंजीनियर प्रोटो बिल्ड क्वालिटी, ये गाइस यहाँ पे जॉब यहाँ पे टाइटल का नाम रहने वाला है, इसमें अप्लाई कर लेना डिप्लोमा वाले भी और बी बी टेक वाले भी जिन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से हैं। और भी जॉब्स हैं गाइस यहाँ पे, जैसे जैसे ये वाली जॉब है ऐसी ही है कुछ जॉब्स, उनको भी आप चेक करके अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे गाइस आपको ये जॉब भी दिखा देता हूँ, सिस्टम इंजीनियरिंग की जॉब्स आ चुकी हैं यहाँ पे देखते हैं, ये जॉब ओपन हो चुकी है, इसकी गैस बी बी टेक इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो गैस कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो यहाँ पे अप्लाई करता है, 4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखा है इन्होंने। इसके बाद गैस यहाँ पे इमीडिएट हार्डवेयर की जॉब्स आ चुकी हैं, तो ये भी चेक कर लेना। मैनुफैक्चरिंग इंजीनियर असेंबली में जॉब आ चुकी है, ये भी चेक कर लेना। प्रोडक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट की जॉब आ चुकी है, इसे ओपन करके दिखा देते हैं गैस। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है बी बी टेक विद टोटल एक्सपीरियंस, 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखा है, बाकी भी ऐसा पढ़ लेना क्योंकि मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको जरूर पढ़ना है अप्लाई करने से पहले, ऐसा ना होगा इस बाकी पढ़ा ना और अप्लाई कर दिया, क्योंकि ऐसा आपको नॉलेज भी होने चाहिए इनकी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब आ चुकी है, टेस्ट इंजीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, इसे ओपन करके दिखा देते होंगे। इसमें बहुत सारे जॉब्स है इस कंपनी में, 48 जॉब है टोटल आपको मैंने बताया, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे डिप्लोमा बी टेक अप्लाई कर पाएंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसके बाद और है, उसके बाद आज की ड्यूरेबिलिटी सिमुलेशन की जॉब, यहाँ पे गए सिमुलेशन के भी कुछ कोर्स करते हैं गाइस, यहाँ पे जैसे बी बी टेक एम टेक इन मैकेनिकल ऑटोमोटिव एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखा है इसमें। और इसके बाद और भी हैं, यहाँ पे रिलायबिलिटी डेवलपमेंट इंजीनियर की जॉब है स्टेट पे, और है सोर्सिंग की जॉब, यहाँ पे लॉजिस्टिक की जॉब है, ई एच एस में भी जॉब है यहाँ पे आप देखते हैं गाइस, यहाँ पे मैकेनिकल सप्लायर मैनेजमेंट में जॉब है, मैकेनिकल वाले इसे चेक कर लेना, बाकी भी चेक कर लेना, उनकी क्वालिफिकेशन भी लिखी होती है बीच में, तो ये भी आप देखते हैं बेंगलुरु सभी की लोकेशन रहने वाली है। और यहाँ पे ये भी है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी जॉब है गाइस आपके लिए, मैं सारी ओपनिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन की लास्ट जॉब बची है, लास्ट वाली ओपन करके दिखा देता हूँ ये, इसमें गए 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखा है, बैचलर डिग्री और यहाँ पे रखी हुई है, तो ये आप चेक कर सकते हो गाइस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी वीडियो भी चेक कर लेना, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना गाइस। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, थैंक यू गाइस।